दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टैग छोरा 2.0 में। तो दोस्तों आज हम कोई अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे, बट आज आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि है गूगल की तरफ से। दोस्तों आप भी अगर गूगल पे ये पांच चीज़ें वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको भी शायद से जाना पड़ेगा जेल। क्या बोला तूने? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि आज ही गूगल की तरफ से एक नोटिस आया कि अगर इन पांच वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो आपको भी जाना पड़ सकता है जेल। ये भगवान क्या जिल। तो हम गूगल पे बहुत ही उलझन चीज़ें सर्च करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कुकिंग रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड हम गूगल पे सर्च करते रहते हैं। बट ये जो पांच चीज़ें हैं, हालांकि इन पांच वेबसाइट पे गवर्नमेंट ने पहले से बैन लगा रखा है, फिर भी लोग VPN या ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन का सपोर्ट लेकर इन वेबसाइट पे विजिट करते हैं, बट अब स्ट्रिक्टली गूगल ने वॉर्न कर दिया है। चलिए बारी बारी से जानते हैं ये कौन सी पांच चीज़ें ये जो अगर आप सर्च करते हो तो बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो आपको भी जाना पड़ेगा जेल दोस्तों। और साथ साथ जेल तो जाएंगे जाएंगे और आपके कूल्हे भी तोड़ दिए जाएंगे। चलिए बारी बारी से जानते हैं कौन सी ये पांच एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों पहला वेबसाइट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दोस्तों अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करते हैं तो आपको भी जाना पड़ सकता है जेल, आप बिल्कुल भी सर्च ना करें। हालांकि दोस्तों इस पे पहले भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, बट कुछ लोग VPN का इस्तेमाल करके इन वेबसाइट पे विजिट करते थे, बट अब गूगल ने शिकंजा कस लिया है। अगर आप इस वेबसाइट पे सर्च करते हैं और विजिट करते हैं, इसमें आपको पोस्ट एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई होगी और आपके साथ साथ कूले भी तोड़ दिए जाएंगे और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बिल्कुल भी अब ना करें, अलर्ट रहें, सेफ रहें और अपनी इज्जत तो बचाए रखें। चलिए दूसरी वेबसाइट की बात करते हैं कि दूसरी वेबसाइट कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी ये जो वेबसाइट है वो है बम बनाने की विधि। आप अगर बम बनाने के रिलेटेड, चाहे बम, गोला, बारूद, कुछ भी हो दोस्तों, इसके रिलेटेड, इसके अराउंड रिलेटेड कोई भी चीज़ आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। पहले हालांकि इतना स्ट्रिक्टली नहीं था, बट अब बहुत स्ट्रिक्टली हो चुका है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और बम, गोला, बारूद ऐसा कोई भी प्रक्रिया बनाने की प्रोसेस की विधि की सर्चिंग करेंगे तो दोस्तों गूगल आपकी IP एड्रेस ट्रैक करके तुरंत ही सुरक्षा एजेंसी को ये IP एड्रेस और पूरा लोकेशन दे देगा और दूसरे ही दिन आपके जो यहाँ सुरक्षा एजेंसी वाले पहुँच जाएंगे। दोस्तों शादी के बाद जैसे आपकी वाइफ आपको पूछताछ करती है, आप अगर किसी से मिल के आते हैं, उससे डबल पूछताछ आपसे होगी और साथ ही साथ आपके कूल्हे भी तोड़ दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर बिल्कुल विजिट ना करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए अगली वेबसाइट की ओर बात करते हैं कि कौन सी वो वेबसाइट है जिससे आपको विजिट नहीं करना है। तो दोस्तों तीसरी वेबसाइट है खुद का Gmail ID। जी हाँ दोस्तों, अक्सर होता ही है कि हम अपनी Gmail ID भूल जाते हैं और उसे खोजने के लिए हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए दोस्तों हम अपना फ़ोन नंबर, ID, पासवर्ड सारी चीज़ें उसमें मांगने के बाद डाल देते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता कि उसे किस जगह पर लॉगिन करना है, किस जगह पर नहीं लॉगिन करना। होता ही है कि दोस्तों जैसे ही आप अपने Google ID लॉगिन जब गूगल पे ढूंढते हैं, तब दोस्तों बहुत से हैकर्स लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ की ताक में बैठे ही रहते हैं। जैसे ही आप अपना Email ID और पासवर्ड या OTP कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो तुरंत आपका Gmail ID हैक कर लिया जाता है, जिससे होता ही है कि जो भी हमारे Gmail ID में चीज़ें शेयर रहती हैं, जैसे कि दोस्तों अब हमारा पर्सनल फोटो हो गए, कोई पर्सनल वीडियोस हो गए, हमारे कॉन्टैक्ट्स हो गए वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अपने Gmail में सेव रखते हैं, तो दोस्तों दूसरे लोग इसको हैक करके और आपकी पर्सनल चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं और हो सकता है आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो इससे भी आप सतर्क रहें और सेफ रहें, अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ गूगल पे सर्च ना करें, ना ही उसको शेयर करें। चौथी वेबसाइट कौन सी है ये जान लेते हैं। तो वो वेबसाइट है जो हम आमूमन करते ही करते हैं, हमें अगर हमारे प्ले स्टोर या आईफोन स्टोर पे जो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होती उसे हम सीधा गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, बट ऐसा आप बिल्कुल ना करें और कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे डिलीट भी कर दें, क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर जब भी कोई एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी चीज़ हटाती है तो इनसिक्योर होती है या हमारे डेटा को नुकसान हो सकता है, हमारे डेटा लीक्स हो सकते हैं, इसीलिए वो एप्लीकेशन और वो चीज़ें हटाई जाती है। बट हमें दोस्तों अपने थोड़े से एन्जॉय के लिए उसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम डाउनलोड कर लेते हैं, बट जब वो परमिशन मांगता है तो हमें उस टाइम उतने उत्साह में होते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है और हम उसे परमिशन दे देते हैं। बट होता है उसके बाद यूँ है दोस्तों कि हम वो एप्लीकेशन पे तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हमारी पर्सनल जो हमारा कैमरा है वो भी ऊपर रहता है, जो हमें पता ही नहीं रहता, और हमारे फोटोज़ भी क्लिक होते हैं, हमारी पर्सनल डेटा भी उनके साथ शेयर होती रहती है और यही डेटा फिर आगे जाके फैल जाती है। सुना भी हुआ है कभी कभी फ्रॉड कॉल आते हैं या किसी ब्लैकमेलिंग का भी कॉल आता है, तो दोस्तों ये चीज़ उसी से होता है
तो प्लीज़ अगर आपको कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है उसे गूगल से बिल्कुल ही डाउनलोड ना करें, और अगर डाउनलोड कर भी रहे हो तो प्लीज़ उसके परमिशन को जरूर पढ़ें, नहीं तो दोस्तों आपके पर्सनल डेटा को और बहुत सी आपके यहाँ तक तो आपके फैमिली को भी नुकसान हो सके उतना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो गूगल से हमें प्रोवाइड होती है बल्कि प्ले स्टोर में जो नहीं मिलता तो गूगल से उसे बिल्कुल ही डाउनलोड ना करें, उसमें हमारे डेटा को नुकसान पहुँच सकता है। तो पाँचवीं जो सर्च है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट एबॉर्शन। जी हाँ दोस्तों, गर्भपात कैसे करें, तो ये चीज़ तो भूल से भी गूगल पे सर्च ना करें दोस्तों, क्योंकि ये सर्च करने के बाद अगर आप इसके इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं, इसके रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ओर से पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आपको जेल भी हो सकती है और साथ ही साथ आपको कूटा भी जाएगा, फूर भी दिया जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें सर्च ना करें। ये चीज़ दोस्तों अभी बहुत बढ़ चुकी है, गूगल ने इसे बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल किया है, क्योंकि आए दिन बहुत लोग गूगल पे ये सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से गूगल ने ये अब अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी ये चीज़ सर्च करेगा उसकी तुरंत आईपी एड्रेस ट्रैक की जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे दी जाएगी। दोस्तों अगर आप अपने जान पहचान दोस्त बहुत किसी की भी हेल्प करने के लिए अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं ये बिल्कुल ही ना करें, हो सके तो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से ही बात करें, गूगल पे तो सर्च ना करें, नहीं तो आपके घर टूं टूं करते पुलिस की गाड़ी आ सकती है और आपके कूले भी तोड़ दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको ससुराल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है पांचों चीज़ें जो आपको गूगल पे बिल्कुल ही सर्च नहीं करनी, हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें बट ये पांच चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली की गई है। तो आप भी अगर कोई उलझन चीज़ गूगल पे सर्च करें तो बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों आज का अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लाइक लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।